एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन एक सो स्टूडेंट्स हमने लास्ट मेडूल्स में आई एस एल एम मॉडल अलज्रिकली ड्राइव किया था आज हम वहीं से एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल इसका अलजब्रिक वर्जन लेंगे और ये बात हम समझ चुके हैं कि ये एक्चुअली एक ही बात को करने के दो दो मख्लफ़ स्टाइल हैं सो आई एस एल एम मॉडल भी वही कुछ कन्वे करता है जो एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई मॉडल कन्वे करता है सो एग्रीगेट डिमांड कर्व इस मॉडल के लिए हमें एग्रीगेट डिमांड कर्व चाहिए और एग्रीगेट सप्लाई कर्व उस पर हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व आप जानते हैं कहाँ से आता है बाय द इंटरसेक्शन ऑफ आई एस एंड एल एम करव की इक्वेशन से हमारे पास आएगा तो ये आपके पास आई एस कर्व की इक्वेशन है हम ड्राइव कर चुके हैं ये एल एम कर्व की इक्वेशन है इससे हम ड्राइव कर चुके हैं आई एस कर में आप जानते हैं आर और वाई के दरम्यान नेगेटिव रिलेशनशिप होता है और एल एम कर में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है तो लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों पे आर हैं तो इनकी राइट हैंड साइड्स को इक्वल इक्वेट करके हम इसे वाई के लिए सॉल्व कर सकते हैं तो ये आपके पास कुछ स्टेप्स करने के बाद ये वाई का एक्सप्रेशन आ जाएगा सो दिस इज इनफैक्ट योर एग्रीगेट डिमांड इक्वेशन ओके आर यू गेटिंग दिस पॉइंट के आई एस एल एम कर्व के इंटरसेक्शन जो है वो डिमांड को डिटरमिन करती है ओके okay? सो so, हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया और उससे आपके पास ये रिलेशनशिप पा आ गया वाई और पी के दरम्यान ओके सो ये हमारी एग्रीगेट डिमांड की क्वेश्चन है इस पर हम समझते हैं इसमें क्या कुछ है फॉर कॉन्स्टेंट नॉमिनल मनी सप्लाई इफ दिस दिस एम इज़ द नॉमिनल मनी सप्लाई इफ़ दिस इज़ कॉन्स्टेंट द एग्रीग्रेट क्वान्टिटी ऑफ गुड्स डिमांडेड वाई इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ द प्राइस लेवल पी सो ये पी चूंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है सो एन इंक्रीज इन दिस पी विल डिक्रीज वाई सो देर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप गिवन एम अगर आप कॉन्स्टेंट एज्यूम कर लेंगे तो प्राइस लेवल में जब इजाफा होगा तो उससे मनी डिमांड में कमी इसी क्वेश्चन से भी हमें पता चल रहा है कि चूंकि डिनोमिनेटर में है तो उससे मनी डिमांड में कमी वाकई हो जाएगी सो so, जो आपके पास एग्रीगेट डिमांड कर्व होगा जो ये डाउनवर्ड स्लोप होगा सेकेंड बात जो हम कि अगर आप इसके इंटरसेप्ट की बात करें दिस द इंटरसेप्ट ओके यानी आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये उसका इंटरसेप्ट है तो इंटरसेप्ट क्या है ये है दिस एल्फा आई इज द इंटरसेप्ट ऑफ द आई एस एंड एल्फा एल एम दिस इज द इंटरसेप्ट ऑफ द एल एम करव तो ये इन दोनों के डिफरेंस से आपके पास एग्रीगेट डिमांड कर का इंटरसेप्ट आ रहा है सो फॉर अ कॉन्स्टेंट प्राइस लेवल एनी चेंज दैट शिफ्ट द आई एस करव अप कैसे होगा अगर इस एल्फा आई एस में इजाफा हो जाता है या इसमें कमी बाकी हो जाती है दोनों सूरतों में ये जो डिफरेंस है ये इंक्रीज हो जाएगा यह इंटरसेप्ट बढ़ जाएगा ठीक है तो एल एम जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा अप वर्ड शिफ्ट हो जाएगा सो so इसी को यहाँ पर लिखे फॉर अ कॉन्स्टेंट प्राइस लेवल एनी चेंज डेट शिफ्ट द आई एस कर्व अप यानी अल्फा एस में इजाफा हो जाता है ये क्यों होगा एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट परचेज जो है इसमें एक रीज़न हो सकती है आर शिफ्ट द एल एम डाउन एंड टू द राइट right, यानी इसमें कमी हो जाए सेकेंड टर्म में तो उसके ये क्यों हो सकती है नॉमिनल मनी सप्लाई में फॉर एग्जांपल, एंड इंक्रीज जो है वो इसमें कमी ला सकती है सो इट इंक्रीजिस एग्रीगेट आउटपुट डिमांडेड एंड शिफ्ट्स शिफ्ट एग्रीगेट डिमांड कर्व अप एंड टू द राइट यानी किसी भी प्राइस लेवल पर आप एग्रीगेट डिमांड में इजाफा हो जाएगा और एग्रीगेट डिमांड कर्व आपका नेगेटिवली स्लोप्ड होता है तो ये राइट वर्ट शिफ्ट हो जाएगा ओके okay. सो so, अब हम सप्लाई की बात करते हैं शॉर्ट टर्न दो तरह के हम जानते हैं सप्लाई कर होते हैं शॉर्ट टर्न सप्लाई कर वो लॉन्ग रन सप्लाई कर तो शॉर्ट टर्न में फार्म सप्लाई द आउटपुट डिमांडेड एट द फिक्स प्राइस लेवल शॉर्ट टन में प्राइस लेवल फिक्स होता है ओके सो दस द शॉर्ट एन एग्रीगेट सप्लाई कर बिज द हॉर्जेंटल लाइन हम आई एस एल एम मॉडल जब वहां पर जनरल इकलीबरिंग की बात की थी तो वहाँ पर भी हम इस पर डिटेल से बात कर चुके हैं कि शॉर्ट एन एग्रीगेट सप्लाई कर बिज एक्चुअली योर हॉरीजेंटल लाइन क्योंकि प्राइस कॉन्स्टेंट है वर्टिकल एक्सेस पर प्राइस होती है सो प्राइस चेंज नहीं हो रही सो प्राइस फिक्स है वट एवर जो डिमांड होगी उसी परफॉर्म्स मीट करेंगे। सो दिस इज द प्राइस लेवल इन द शॉर्ट एन और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या होगा लॉन्ग रन में आप जानते हैं कि आपकी आउटपुट जो है ये फिक्स रहती है एट फुल इम्प्लॉयमेंट लेवल लॉन्ग रन आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व एक वर्टिकल लाइन होगी और शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व आपका हॉरिजेंटल लाइन होगी ओके सो शॉर्ट अर्न इक्ब्रियम कब होगा जब शॉर्ट टर्न एग्रीगेट सप्लाई करव एग्रीगेट डिमांड के इक्वल आप कर देंगे तो वहाँ से आपके पास शॉर्ट टर्न एग्री एक्बरीम आ जाएगा ओके okay? सो so, यहाँ पर अगर आप उसी इक्वेशन को देखेंगे जो एग्रीगेट डिमांड कर्व की इक्वेशन थी तो उसमें जब आपने ये प्राइस लेवल आपने फिक्स कर दिया उसमें सब्सटीट्यूट कर दिया तो ये आपके पास शॉर्ट टर्न एग्रीगेट शॉर्ट टर्न आपके पास इक्ब्रियम आ गया और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के लिए क्या करेंगे आप एग्रीगेट डिमांड में वाई की जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ वाई है उसको आप पुट करेंगे और उसके नतीजे में आपके पास लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम लेवल आ जाएगा उसे पी के लिए सॉल्व कर लेंगे तो ये वाली आपके पास इक्वेशन आ जाएगी सो दिस लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल इज़ द सेम एज दैट ऑप्टेंड बाय द आई एस एल एम एफ ई लाइन तो ये रिजल्ट्स आप उससे अगर कंपेयर करें जो हमने आई एस एल एम और एफ ई इंटरसेक्शन से यानी आई एस एल एम मॉडल से जो हमने रिज़ल्ट ड्राइव किए थे एग्जैक्टली ये वही वाले रिज़ल्ट आएंगे ख़वा आप एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई कर्व्स की मदद से वो वैल्यूज़ फ़ाइंड करें या आई एस एल एम एफ़ी लाइन की मदद से वो वैल्यूज़ फ़ाइंड करें सो आई होप ये चीज़ें जो हमने थोरेटिकली एलियब्रिकली नोमरिकली हमने डिफरेंट एंगल से ये की हैं तो इससे कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा थैंक यू वेरी मच